Welcome to this class. Our today's topic is Earth's magnetism. We will also call it as geomagnetism. Before we start with the actual study of Earth's magnetism, some preliminary information which we must know. Magnetism mein humne dekha, there are two ways how we can introduce magnetism in a classroom. All of you must have handled a bar magnet like this. Iska ek end jisko hum north kehte hain, dusra end south. Is bar magnet ko agar hum ek magnetic needle ke sath use karte hain, so I have a very small magnetic needle. तो हम इस बार मैग्नेट की इस नीडल की मदद से मैग्नेटिक लाइंस ट्रेस कर सकते हैं. द मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोज लाइंस जो नॉर्थ से शुरू होती है और साउथ पर एंड होती है, और ये लाइंस इस मैग्नेट के अंदर भी कंटिन्यूटी दिखाती है, जिनको हम अंदर इसके लाइंस ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं. ये मैग्नेटिक लाइंस जो हैं, ये असल में हमें एक मोनोपोल की डायरेक्शन बताते हैं कि जैसे अगर मैं ये नीडल यूज करता हूँ इस बार मैग्नेट पर और इसको मैं यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, तो जो ये एरो है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी द डायरेक्शन जिस पर ये नीडल अपने आप को ओरिएंट करेगी. और यहाँ आप देख रहे हैं कि नॉर्थ से जब हम निकलते हैं साउथ की तरफ, द लाइन्स राइज फ्रॉम नॉर्थ एंड फॉल इन टू द साउथ. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे आपने ये भी देखा कि द सेम फिनोमिनन कैन बी प्रोड्यूस्ड अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लें विच कैरीज ए करंट आई, ए स्टेडी करंट आई. सो राइट हैंड रूल यूज करके हम इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो ट्रेस कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, कि इसका एक एंड नॉर्थ होगा और एक एंड साउथ होगा. सो दिस विल बी द नॉर्थ एंड जहां से मैग्नेटिक लाइन निकलती है, दिस विल बी द साउथ एंड. तो कहीं भी अगर आपको ऐसी एक ज्योमेट्री मैग्नेटिक लाइंस की मिलती है, यू कुड ट्रीट दैट डिवाइस और दैट एंटिटी एज ए बार मैग्नेट. इस रीजन में अब आप कहीं भी एक मैग्नेट को रखें या एक मैग्नेटिक नीडल को रखें, उसकी ओरिएंटेशन डिसाइड होगी. जैसे यहां रखेंगे तो उस नीडल का साउथ इसकी तरफ आएगा, यहां ले जाएंगे तो उसका नॉर्थ इसकी तरफ आएगा, यहां रखेंगे तो उस नीडल की ओरिएंटेशन ऐसे हो जाएगी, यहां रखेंगे तो उसकी ओरिएंटेशन ऐसे हो जाएगी. सो इन दैट सेंस हमारे पास एक तरह का एक रीजन आ गया जिस रीजन में कोई भी मैग्नेटिक पोल अपनी ओरिएंटेशन अडॉप्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन द लाइंस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमने उसको रखा है. Now it so happens कि जब हम अर्थ के नजदीक किसी भी ऑब्जेक्ट को एक मैग्नेटिक नीडल की शक्ल में या एक बार मैग्नेट की शक्ल में हैंग करते हैं, तो ये एक खास डायरेक्शन में जाके ओरिएंट हो जाता है. और ये ऑब्जर्वेशन हमारी आज की नहीं है, इट इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. हमारे पास लोडस्टोन का एक कंसेप्ट है, ए लीडिंग स्टोन विच वॉज नथिंग, जो एक पीस ऑफ आयरन ऑक्साइड था जिसको चाइनीज ट्रेवलर्स यूज करते थे फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन वाइल ट्रेवलिंग ऑन सी और इन सम डेजर्ट. तो यहाँ ऐसा लगता है कि देर इज सम नेचुरल मैग्नेटिज्म प्रेजेंट अराउंड अस, एंड दैट मैग्नेटिज्म हैज द प्रॉपर्टीज विच वी हैव टू स्टडी. वॉट इज दिस नेचुरल मैग्नेटिज्म? दिस इज अर्थ इनहेरेंट मैग्नेटिज्म. अर्थ का अपना एक इनहेरिट मैग्नेटिज्म है, एक इनहेरिट मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके आसपास हमें दिखता है. हाँ, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो सकते हैं फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, और दिस इज गोइंग टू बी द एक्चुअल स्टडी इन दिस टॉपिक अर्थ मैग्नेटिज्म. सो फार वी सी कि अर्थ हैज एन इनहेरिट मैग्नेटिज्म, जिसका कॉज हम देखेंगे कि इसका कॉज क्या होना चाहिए. शायद उसका कॉज अर्थ के स्ट्रक्चर में ही बसा हुआ है, and that magnetism can influence a magnetic needle or a bar magnet
as per the properties of magnetic field that like poles repel and unlike poles attract each other. Or those properties will resemble this or this as we take it. Even though the discovery of magnetism dates back to finding the pieces of ferric oxide Fe3O4 in Magnesia, which was a place in Asia Minor, present-day Turkey. But the prominent work which traces today the principles of Earth's magnetism was carried by William Gilbert. Gilbert was basically a physician of Queen Elizabeth I and had interest in physics also, and lived from 1544 to 1603. Newton's work came in about 1666, the law of gravitation. In around 1600, Gilbert wrote a book. The book is named in English language on the magnet and magnetic bodies and on the great magnet, the Earth. Now this publication of 1600 marks the number of studies which Gilbert carried, and he named some elements of Earth's magnetism. Aaj hum un elements ke teen technical naam dete hain. One is angle of inclination, angle of declination, and horizontal component of Earth. For his book mein, Gilbert ne takriban jo gravitational attraction hai, masses ke beech mein, usse bhi अर्थ की एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ एट्रीब्यूट किया, बट लेटर दैट केम आउट टू बी द एट्रीब्यूट ऑफ मास, विच वी स्टेट एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेयर वी से दैट टू मासेस विल अट्रैक्ट ईच अदर. एंड वी गो अबाउट नाउ एक्सप्लेनिंग द थ्री एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म विच आई नेम्ड. यू सीन दिस विजुअल. This is tracing roughly Earth's magnetic field. Earth के आसपास जैसे हम एक magnetic needle को रखते हैं, वो deflect होता है एक particular direction. Now this is not the real magnet which is embedded in Earth. लेकिन हम imagine कर सकते हैं कि जो Earth का interior है, उस Earth के interior में as if there is a bar magnet, जिसकी magnetic lines यहाँ north से निकलेंगी, साउथ की तरफ जाएंगी. ये मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से निकली, साउथ की तरफ गई, जैसे ये मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से निकली, साउथ की तरफ गई. और जो अर्थ का अपना ज्योग्राफिक एक्सिस है, वो एक्सिस मान लीजिए ये है, ये इसका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, और यहाँ इसका ज्योग्राफिक साउथ पोल है. जो ज्योग्राफिक साउथ पोल है उसकी तरफ इसका मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ फेस कर रहा है, और ये अंदर जो हम इमेजिन कर रहे हैं बार मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ फेस कर रहा है. लेकिन कहने में हम इसको इसलिए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहते हैं, है तो असल में ये इसका साउथ, लेकिन बाहर से एक्सटीरियर, अगर हम एक्सटीरियर से अर्थ को एक मैग्नेटिक नीडल से ट्रैवल करने की कोशिश करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, उस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ इधर की तरफ जाएगा. तो इसी लेक्चर में बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का कंसेप्ट आता है, और वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा. सिमिलरली ये अंदर से नॉर्थ पोल है, जो नीडल का साउथ पोल होगा वो इसकी तरफ जाएगा, यहाँ भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री बनेगा. और इसी डायग्राम को आप याद रखें कि इस डायग्राम में आपको एक ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, विच एक्चुअली इज इक्वेटर. अर्थ के अब दो इक्वेटर्स हम बात करेंगे, देयर विल बी अ ज्योग्राफिक इक्वेटर एंड देन देयर विल बी अ मैग्नेटिक इक्वेटर. तो इसको हम और थोड़ा एलेबरेट करेंगे. Come to the board. Some geography of Earth. ये लाइन आप देख रहे हैं यहां से, ये इसका अर्थ हम इमेजिन करते हैं, इज एक्चुअली स्फेरॉइड. यहाँ हमने एक स्फेयर लिया, तो यहाँ इसका नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ. ए लाइन एंटरिंग एट नॉर्थ पोल लीविंग एट साउथ पोल बिकम्स द ज्योग्राफिक एक्सिस. देन हेयर इज द 0 degree लैटिट्यूड, जिसको आप इक्वेटर कहते हैं, ज्योग्राफिक इक्वेटर. तो इसको आप ख्याल में रखें. I'll call this as the geographic north. So here it is, geographic north.
Then there is geographic south, a line passing straight, joining the north to south and passing through its center becomes geographic axis. We had earlier, इसमें जो हमने देखा एक विजुअल में कि जो अब ये मैग्नेट हम एम्बेड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसने एक और एक्सिस दे दी. जो आप रेड डॉटेड लाइन देख रहे हैं, दिस रेड डॉटेड लाइन बिकम्स द मैग्नेटिक एक्सिस. सो द वे वी हैव ज्योग्राफिक इक्वेटर, दिस इज ज्योग्राफिक इक्वेटर 0 degree लैटिट्यूड, वी विल ऑल्सो हैव ए मैग्नेटिक इक्वेटर विच विल बी प्रोबेबली लाइक दिस. दिस इज द मैग्नेटिक. As soon as we think of magnetic lines, तो हमें याद आता है कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा होता है that lines leave the north pole and get into the south pole. The lines leave the north pole and get into the south pole. Even though जो मैं ज्योमेट्री दिखा रहा हूँ it seems to be very smooth and very clear geometry. लेकिन जो reality में magnetic lines हैं they may not be as smooth as I have shown them here. They may be later different. You see, ये एक कंप्यूटर साइमुलेशन है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की. यहाँ आप देखते हैं कि जो अर्थ का स्फीयर है वो यहाँ है कहीं, जो इसके इंटीरियर में लाइंस की डेंसिटी है अलोंग दिस एक्सिस विच वी कॉल नाउ मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ दैट इज टू हाई. लाइंस आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. देन दीज आर द लाइंस विच आर लीविंग द अर्थ. और जो हमारी प्रेजेंस है, जो हम अर्थ के सरफेस के ऊपर हैं, वी आर ट्रेसिंग दीज लाइंस समवेयर हियर. Or here, so that way, as if ki the lines are leaving one end and going into the other end and close lines, maybe jo ye lines hain ye kahin idhar se jaake inke sath mil jayengi. That's the type of situation. Lekin it is not that smooth jitna hum ek smooth drawing banate hain ek graph par ya ek diagram mein. It's not that smooth. There are probably lines which are quite distorted. Magar ek pattern clear hai ki they will leave one end and enter into the other end, जिसको हमने magnetic north और magnetic south कहा. तो these are the elements. There is angle of declination, then there is angle of declination, there is angle of inclination or dip and horizontal component which we have named. What is declination? It is the angle between magnetic meridian. Magnetic meridian आपने समझ लिया क्या है, and the geographic meridian at a place, and is called as angle of declination. The magnetic meridian may be due east or due west of its geographical meridian at a given place. Yeah, main aapse ye batana chahta hu that when we go about the existence of the geographical north and the magnetic north pole, they do not actually coincide. Ye jo inki non coincidence hai, is non coincidence ki wajah se angle of declination ka concept hamare paas aa gaya. Agar ye coincide kar rahe hote, then the direction of these meridians would have been overlapping, so declination har jagah zero hota. But it is not so ki ye coincide nahi kar rahe hain, aur is difference ki wajah se zameen par alag alag jagah par jab hum dekhte hain, there is a angle subtended between these two meridians which we call as the angle of declination. तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं यहाँ पर एंटर कर रही हैं, हियर दे आर एंटरिंग इनटू द साउथ पोल, हियर दे आर लीविंग. दिस प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी जो वेल नोन है ऑलरेडी. हमें पता है कि अगर एक ऐसा बार मैग्नेट हो हमारे पास, सो नॉर्थ से साउथ की तरफ किस तरह से मैग्नेटिक लाइंस हम ड्रॉ करते हैं. इन द सीरीज ऑफ लेक्चर्स विच आई एम डिलीवरिंग, आप इसका एक लेक्चर भी देख सकते हैं वेयर प्रैक्टिकली we have traced these lines with the help of a small magnetic needle like this. Now as we go, we have three elements. In elements ki madad se ab hum ye properties understand karte hain. The first element is an angle which we call as the angle of declination. The second property is another angle which we call as angle of inclination or angle of dip. The third property is horizontal component of magnetic field, or this horizontal component of magnetic field of earth we will denote by BH.
लेट्स थिंक ऑफ अ प्लेस, ये एक प्लेस है अर्थ पर, तो इस प्लेस को मैं पी कह देता हूं। इस प्लेस पी को लेके, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को लेके, ज्योग्राफिक साउथ पोल को लेके एक प्लेन इमेजिन कीजिए। व्हेन यू कट दिस अर्थ अलोंग दैट डायरेक्शन, तो आपको एक शीट मिलेगा। दैट शीट फॉर दिस प्लेस पी विल कंटेन नॉर्थ पोल पी एंड साउथ पोल, इट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन ऑफ दैट प्लेस। सो आई शो ज्योग्राफिक मेरिडियन हियर, प्लेस पी, देन देयर इज ज्योग्राफिक नॉर्थ, देयर इज ज्योग्राफिक साउथ। सो द मोमेंट आई लुक एट दिस, इसमें मुझे एक लाइन दिखाई दे रहा है, ये एक लाइन दिखाई दे रहा है, एक लाइन, असल में है ये प्लेन, लेकिन दिस प्लेन इज इनसाइड दिस अर्थ, तो ऊपर से मुझे एक लाइन दिखाई दे रही है विच कंटेन्स पी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब यहां अगर आप नॉर्थ पोल की तरफ देखते हैं, यहां ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है जिसको मैं एन एम लिख रहा हूं, मैग्नेटिक नॉर्थ। नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्लेस पी पास अनदर प्लेन कंटेनिंग पी, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, तो मैग्नेटिक साउथ कहीं यहां पर होगा, सो मेक ए शीट विच विल बी कंटेनिंग प्लेस पी विद मैग्नेटिक नॉर्थ विद मैग्नेटिक साउथ। तो आपको फिर ये शीट इस अर्थ के बीच में जब उसको काटते हैं तो आपको एक लाइन दिखाई देगा, इज नाउ द मैग्नेटिक मेरिडियन विच कंटेन्स प्लेस पी विच कंटेन्स द प्लेस पी विच कंटेन्स द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। सो हियर इट इज, तो जैसे मैंने बताया कि ये भी एक लाइन दिखाई देगी बाहर से, ये भी एक लाइन दिखाई दे रही, सो लेट्स टर्न दीज लाइक दिस, तो ये दो लाइंस आपको दिखाई देंगी, वन लाइन विल बी लाइक दिस एंड अनदर लाइन विल बी लाइक दिस। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं विच कंटेन्स पॉइंट पी विच कंटेन्स दिस पॉइंट पी विच कंटेन्स नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल विच कंटेन्स ज्योग्राफिक साउथ पोल इज द ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं इट कंटेन्स द मैग्नेटिक नॉर्थ, देन इट कंटेन्स मैग्नेटिक साउथ, इट कंटेन्स पॉइंट पी और दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ। इन दो के बीच में आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन फॉर दिस प्लेस पी। दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड, इसको आप अर्थ के किसी भी पॉइंट के लिए रिपीट कर सकते हैं, सो दैट वी हैव द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन विच इज एंगल सबटेंडेड बिटवीन the magnetic meridian and the geographic meridian at a particular place. Now another angle we have called angle of inclination. Angle of inclination is ki jab magnetic field hum kisi jagah par dekhte hain aur horizontal ko reference maan ke us magnetic field ka direction hum lete hain, that angle subtended between the direction of magnetic field at that place with the horizontal is called as the angle of inclination. इसको हम angle of dip भी कहते हैं, और जो device हम इसको measure करने के लिए use करें, either we call it as dip circle on the basis of this, या उसको हम inclinometer भी कहते हैं, और इस dip circle की कुछ images आप देख लें, कुछ इस तरह से होने वाला है, कि जो हमारे पास अब device है, वो device दो तरह की ओरिएंटेशन ले सकता है। अगर इस प्लेन को हम लें, दिस इज द प्लेन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड, लेकिन जो नीडल है मैग्नेटिक नीडल, इट इज मूविंग इन ए वर्टिकल प्लेन, दैट मींस इट कैन बिकम परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड लाइक दिस। यहां देखें, सो दिस इज द नीडल, इट कैन बिकम परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड एंड दिस वुड बी द डायरेक्शन विच इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट मींस द डायरेक्शन विच इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, और this is the direction which can be vertical. ये किसी भी angle पर ऐसे orient हो सकता है. So let's come back to this diagram. इस को हम थोड़ा सा और भी यहाँ पर understand करेंगे कि how angle of inclination can change from place to place. So this would be the situation कि जो आपके पास एक dip circle है, इसका ये base अगर हम मानते हैं,
सो दिस इज द वर्टिकल पिलर. ऑन दिस वर्टिकल पिलर यहाँ पर हम फैसिलिटेट करते हैं एक नीडल की मूवमेंट, दैट नीडल कैन मूव इन नॉट ओनली हॉरिजेंटल प्लेन बट इवन इन द वर्टिकल प्लेन. सो दिस वुड बी द नीडल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है. सो द नीडल कैन मूव इन दिस डायरेक्शन. दैट मीन जो ये दो पिलर्स हैं, इन दो पिलर्स के बीच में एक शाफ्ट है, इस पर नीडल है और नीडल कैन मूव इन दिस डायरेक्शन. ये इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है. हियर इट कैन राइज वर्टिकली अपवर्ड्स एंड पास इट हियर. अब ये डिप सर्कल हम यहाँ रख लेते हैं. सो व्हेन यू प्लेस इट हियर ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ दिस, ये आपके पास डिप सर्कल है. द नीडल, ये जो नीडल आपको दिखाई दे रही है, दिस नीडल इज स्टेइंग इन दिस मैनर पैरेलल टू दिस. सो दैट मीन्स दिस नीडल इज नाउ पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइन जो पास हो रही है इसके थ्रू. तो ये अगर मैग्नेटिक लाइन का डायरेक्शन है, दिस द मैग्नेटिक लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, द नीडल विल बी इन द प्लेन लाइक दिस. सो लेट्स ब्रिंग दिस नीडल नाउ, मैग्नेटिक नीडल हियर, जो इसका बेस है, दैट बेस इज लाइक दिस. ये आपके पास एक शाफ्ट जिस पर नीडल मूव कर सकता है. इट कैन मूव वर्टिकली इन दिस मैनर. सो द नीडल विल गो इन दिस डायरेक्शन. So the angle which it is subtending right now with the horizontal is 90 degree. So ye jo angle of inclination hai, is 0 degree here. This is the angle of inclination of 90 degree. North of the needle is now facing this point. Actually the north of needle is facing south of the magnet inside earth. Similarly, agar hum needle ko ab is position par le aate hain, that means this pole, the south pole. So the needle will be like this. ये इसका base है, this is the base. ये इसका shaft है. Here the needle will be, जो ये north है inside the bar, ये इसको south को attract करेगा and needle will be like this. Again, the angle which needle is subtending is 90 degree. In between these two positions now, if you place somewhere the dip circle here, needle will neither be inclined at 0 degree parallel nor it will be inclined at 90 degree. It will be some intermediate angle, some angle between 0 degree and 90 degree at which the needle will lie. So what's the angle of inclination? Angle of inclination is the angle subtended by net magnetic field at a point with respect to horizontal. From the concept of bar magnet, you can understand कि एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अगर किसी जगह से पास हो सकती है, उस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हम मानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पर. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विच आर पैरेलल ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर विल कीप द नीडल पैरेलल. द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दे बिकम परपेंडिकुलर एट द पोल्स आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स, दे विल मेक द नीडल परपेंडिकुलर. सो फॉर पोल्स द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री, फॉर मैग्नेटिक इक्वेटर इट इज 0 डिग्री. For places between pole, magnetic pole and the magnetic equator, angle of inclination will lie between 0 and 90. We call this as plus 90 degree and this is minus 90 degree. So the total variation comes out from minus 90 degree to plus 90 degree. Magnetic equator is 0 degree. Now after understanding the concept of angle of inclination, dekhi ke horizontal component hum मैग्नेटिक फील्ड का कैसे डिफाइन करेंगे. सपोज ये ग्राउंड पर एक लेवल सरफेस है और इस लेवल सरफेस पर आपने देखा कि नीडल, जो मैग्नेटिक नीडल है, दैट इज गोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और ये एंगल डेल्टा बना रहा है. सो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस. हमारे जो डे टू डे लाइफ की ऑब्जर्वेशन है उसमें हम देखते हैं कि जो भी हम मैग्नेटिक नीडल्स यूज करते हैं, दे नेवर गो इरेक्ट लाइक दिस. रीजन इज कि जो आपकी एक्सपीरियंस इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में है, जिस पार्ट में हम हैं, वी आर अराउंड लैटिट्यूड ऑफ अबाउट 34 डिग्री. सो 34 डिग्री वुड मीन कि अगर हम ग्लोब पर यहाँ पर चले जाएं, दिस इज 90 डिग्री लैटिट्यूड, सो यू आर समवेयर हियर. यहाँ आप देखेंगे कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल बी लेस. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वेटर पर 0 होगा और मैग्नेटिक पोल पर 90 डिग्री हो जाएगा. द क्लोजर यू आर टू इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल बी स्मॉलर. So we don't observe angle of inclination as such. Then let's go to a place where angle of inclination is delta, or this is now a resolution process
जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट. और जो वेक्टर्स के रेजोल्यूशन है उसमें आपको पता होगा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब होगा इट विल बी नेट मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आई कॉल एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट अ पॉइंट दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस डेल्टा. सो आई हैव टेकन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देन आई टेक द वर्टिकल कंपोनेंट. वर्टिकल कंपोनेंट वुड बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड नेट मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल्टा. इफ वी डिवाइड दीज टू वी विल हैव बी वी divided by BH equal to, so this divided by this, B and B will get cancelled, sine delta divided by cos delta is equal to tan delta. So at a particular place, what could be the value of this delta or tan delta, it will be the ratio of vertical component to the horizontal component. हम ये भी एक relation बना सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को स्क्वेयर करें और ऐड कर दें, यू विल सी कि जो बी का स्क्वेयर है दैट इज बी स्क्वेयर, व्हेन आई ऐड दिस टू द स्क्वेयरिंग के बाद दिस विल बी कॉस स्क्वेयर डेल्टा प्लस साइन स्क्वेयर डेल्टा. सो वी विल हैव बी स्क्वेयर इनटू कॉस स्क्वेयर डेल्टा प्लस साइन स्क्वेयर डेल्टा. सो दिस विल बी इक्वल टू आई हैव स्क्वेयर्ड बोथ ऑफ देम, बी स्क्वेयर कॉमन कॉस स्क्वेयर डेल्टा प्लस साइन स्क्वेयर डेल्टा विल बी इक्वल टू BX square, that is horizontal component plus vertical component square. This will be equal to 1, so we will have the net magnetic field equal to square root of BH square plus BB square. So out of these three, now it becomes the three elements, jo teenu hain, declination, inclination or horizontal component, they are probably the three quantities jisse hum ek jagah par मैग्नेटिक फील्ड की हर एक प्रॉपर्टी को देख सकते हैं. द टिपिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस इज अबाउट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज अबाउट 0.25 गॉस टू नियरली 0.65 गॉस. गॉस इज नॉट एसआई यूनिट. एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला, एंड वी कैन सी दैट 1 गॉस इज इक्वल टू अबाउट 10^-4 टेस्ला. So we can also express this value in terms of जो कई बार unit हम use करते हैं, we could use the unit of nano tesla. 1 nano tesla would mean 10^-9 tesla, or it would be around 10^-5 gauss. So ये जो relation है इसको कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं that 1 tesla would be equal to 10^-4 gauss. So with this, we have understood ki what are the three elements and their definitions and their small mathematical relations. So yahan yaad rakhe, this is the angle of inclination, right? So we come to now some important lines, magnetic lines, jo hum ek magnetic map lete hain. Us magnetic map mein hum in elements ko dikhane ki koshish karte hain, and we have certain lines which appear on that magnetic map for earth or for a certain place, and we have the following lines categorized. Different lines which can appear in a magnetic map are isogonic line. Isogonic line is that which joins places with same declination or magnetic map on a magnetic map. So jahan angle of declination agar alag alag places ka ek jaisa ho, we join them through an isogonic line. Agonic line is that which join places with zero declination, when declination becomes zero. Isoclinic lines are those which join places with same inclination, that means jinka angle delta, angle of inclination same ho, we can call them as isoclinic lines. If we join those places, same line. Aclinic line is the one which joins places with zero inclination. Abhi hum baat kar rahe the magnetic equator ki, so magnetic equator is aclinic line, that means it has zero inclination. Isodynamic line is those which joins places which are having same value of horizontal component of Earth's magnetic field. So we can see how a magnetic map would appear, say, in terms of one of the set of lines. Here it is. Now this is a magnetic map where we see that we have plotted angle of
inclination. If you remember, there is a green line here. This green line indicates the angle of inclination of 0 degree. Then we have 20 degree, we have 40 degree, we have 60 degree. Ultimately, when we reach the pole, it will be 90 degree. On the lower side to equator, so this is magnetic equator, this green line, with inclination of 0 degree, we have minus 20, minus 40, minus 60, and it will go to south pole. So let's see the region very closely. We have the region of, this is the region of India. So this is magnetic equator passing as the green line with the angle of inclination 0 degree. This is an angle of inclination of 20 degree. So all these places which have angle of inclination of 20 degree rely on this line. So this line is an isoclinic line which joins the places with same inclination. Similarly, this line joins the places with 40 degree inclination, 60 degree, and so on. So a magnetic map can be similarly drawn for representing the isodynamic lines or the lines which join the places with same angle of declination. We come to now understand the cause of Earth's magnetism. A very plausible theory for understanding the cause is, we understand that interior of Earth, which we call as its core, is almost nearly as hot as the Sun's interior. The temperature here is in crores of degrees centigrade, and the matter there is in the state of plasma, which is molten. There is a good abundance of metals like nickel and iron in the core, which are in the molten state. Because of Earth's rotation, this molten plasma is set into rotation. जैसे हम एक बकेट में पानी डालें और उस बकेट को अगर रोटेट करते हैं, द वाटर सेट्स अप सर्कुलेशन करंट्स इनसाइड दैट, और यहाँ भी देर इज़ अ गुड मैग्नीट्यूड ऑफ सर्कुलेशन करंट्स विच आर सेट अप बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ. नाउ द आयंस इन द स्टेट ऑफ रोटेशन, दे कॉन्स्टिट्यूट करंट्स, एंड दिस बिकम्स अ सिचुएशन सिमिलर टू अ करंट कैरिंग लूप विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. And those magnetic lines of force will be perpendicular to the loop. So, agar hum is current loop ko le in the battery mein, the moment these currents become stronger and stronger, this magnetic field becomes stronger. You remember ki B is equal to mu 0 I divided by 2 A would be the magnetic field at the center. So, this way there is a good correlation ki jo earth ka मैग्नेटिक फील्ड है या किसी भी और प्लैनेट या किसी भी और ऑब्जेक्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन सर्कुलेटिंग करंट्स पर डिपेंड करेगा. देयर इज आल्सो अ गुड मूवमेंट सेट ऑफ बाय द थर्मल ग्रेडियंट. जो कोर है, जब यहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं, देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, सो देयर विल बी मोशन विच वी कॉल एज कन्वेक्शन करंट्स सेट अप विद इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ. Now what supports this hypothesis ki jo earth ka ultimately ye magnetic field hai is because of the circulating currents is ki if we look at moon, the moon has no molten core and it has no magnetic field. Now if we go to Jupiter, Jupiter has a faster rate of rotation than earth. That means the moment the rate of rotation becomes faster, there will be a stronger magnitude of मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट्स विल बी हायर और स्ट्रॉन्गर. तो अभी मैं कह रहा था कि जो ये बी है, इफ अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड, बी वुड बी प्रोपोर्शनल टू आई, वी सी इट देयर इन केस ऑफ जुपिटर. नाउ कम टू वीनस, इट हैज अ स्लोअर रेट ऑफ रोटेशन,
than earth. In other words, जो उसका magnetic field है, it has to be weaker, and that's what it is. So there is a good agreement in this model कि जो ultimate cause है magnetic field का of earth and other planets, it is due to the currents circulating within these planets because of the hot interiors. Moon is an exception because of a very cold interior. It does not produce a magnetic field. There is also another model which says कि जो ये magnetic field इस earth का setup होता है, it has an influence on the ions which lie outside earth. जो ionosphere है, जो cosmic rays और बाकी सब radiation आती है, they ionize that layer of the atmosphere, and those ions are also made to go in the state of currents by the magnetic field set up by earth. So it could be a supplementing of the two. That means dono superpose agar karte hain magnetic effects, that could be the ultimate cause of the earth's magnetic field. We have a very important set of magnetic phenomena which we call as the solar winds. They are very strong magnetic effects which are propagated because of sun's interior. So above a distance of about 30,000, 32,000 kilometers above the surface of earth, jo ye pattern hai magnetic lines ka, which is seen close to the surface of earth, it gets highly distorted, kyunki jo bahar se solar winds aati hai, they probably distort the magnetism. Aur jo uska ye dipole nature hai, this dipole nature is not seen to prevail at that. Now coming to the existence of North Pole and South Pole, we have seen ki jo is poles ki existence hai, it is not permanent feature like the geographic North Pole and South Pole. We say they are wandering, that means they keep on changing their position, and that change of position is occurring that these poles tend to move a distance of about 40 to 50 kilometer per year away from the initial position. So agar hum in north magnetic north ki position aaj note karte hain, it might not be there, it might have moved away from the present position for next 1 year by 40 to 50 kilometers. Remember that they are exactly not opposite each other, ye dusre ek dusre ke opposite nahi hai. So I can give you the latitudes and longitudes of North Pole and South Pole as per the latest magnetic survey or magnetic maps presently. So they are here.